और अब खबर सिंगरौली से है, जहां मोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 28 मार्च की शाम 8 बजे मोरवा में जानकारी मिली कि सिरीगुड़ी में करीब 34 किलोमीटर दूर बिजुल नदी के किनारे सुनसान जगह में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसका चेहरा धूल से सना और शरीर में चोटों के निशान भी देखे गए। वहीं सूचना पर एसडीओपी सिंगरौली राजीव पाठक मोरवा से पुलिस बल लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, मृतक के शव और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और गांव के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। वहीं मृतक की पहचान देवलाल सिंह पिता हर्षलाल सिंह गोड़ निवासी सिरगुड़ी उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मोरवा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुनाते हैं हत्या का खुलासा करते हुए अधिकारी ने क्या बताया। आपके द्वारा अंधी हत्या करने वाले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने क्या कहा? दिनांक 28 दिन मई को सूचना मिली कि ग्राम सिंहोड़ी में एक व्यक्ति देवलाल सिंहोड़ पिता हर्षराम सिंहोड़ उम्र 50 वर्ष मृत अवस्था में बिजुल नदी किनारे पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल इसको गंभीरता से लेते हुए स्टाफ रवाना किया गया, जहाँ पे मर कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की गई। विवेचना में पाया गया कि उपरोक्त मृतक है जो अक्सर लड़ाई करता रहता था अपनी पत्नी से और घटना दिनांक को भी ये वाद विवाद कर रहा था, जिसमें उसके परिवार का खुद का उसका पुत्र और अन्य जो आस पड़ोस के लोग थे उनको समझाने का प्रयास किया गया। इसे नहीं मानने पर उसने उन लोगों ने पीट पीट कर डंडे से उसकी हत्या कर दी, जिनमें 3 आरोपी और 2 बाल अपसारी गिरफ्तार किया गया। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।